सचखंड श्री दरबार साहब परिसर के अंदर योग आसन करने वाली अर्चना मकवाना जो पंजाब पुलिस ने नोटिस भेज के सद लिया है, तलब किया है, तो मकवाना ने हुण सोशल मीडिया से एक होर वीडियो पा के एस जी पी सी एफ आई आर वापस लैन की सलाह ही नहीं दी। चैलेंज भी किया है कि जे एफ आई आर ना वापस ली गई तो वह भी कानूनी तौर पर हुण एस जी पी सी का सामना करेगी। नवी वीडियो दे विच मकवाना ने कहा कि 21 जून जो मैं हरिमंदर साहब विखे योग कर रही थी तो हज़ारा सिख भी उत्थे मौजूद सन, फोटो खिंचन वाले सरदार जी भी सन। जेकर उन्होंने मर्यादा का पता नहीं तो मैनू किवें पता हो सकता सी। उन्होंने सेवादारा ते भी पक्षपाती होने का इल्जाम लाया। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने भी अर्चना मकवाना दे इस नवे बयान का जवाब दिता है। एस जी पी सी दे मैंबर गुरचरण सिंह गरेवाल ने कहा कि तुहाडियां 6 दिनों दीआं गतिविधियां तो साफ है कि पहला तुसीं अपने सोशल मीडिया से इतराजयोग फोटो वीडियो पोस्ट किए, फिर माफ़ी मंगण तो बाद सोशल मीडिया से इतराजयोग पोस्टा भी पा रहे हो। जनतक प्लेटफार्म से लोगों गुरु घर के दर्शनों तो रोकने लई तुसीं उकसा रहे हो, एस जी पी सी के खिलाफ घूट प्रचार कर रहे हो। इस तरह लगता है अर्चना किसी नापाक और नफरत भरे एजेंडे तहत काम कर रही है। कहिंदे एक होर वीडियो दे विचों दावा कर रही है कि श्री दरबार साहब के प्रबंधकों ने मर्यादा नूं लैके कोई दिशा निर्देश जारी नहीं किए, जबकि असलीयत यह है कि घंटा घर के प्रवेश द्वार से एक वड्डी स्क्रीन लाई हुई है जिथों उसने एंट्री लई सी। वह दावा कर रही है कि किसी ने भी उसनूं वीडियो बनाउण जां फोटोआं खिंचण तों नहीं रोकिया, जबकि असलीयत यह है कि उसनूं 21 जून नूं ऑन ड्यूटी सेवादार ने एंट्री गेट से रोक दिता सी जदों चरण गंगा दे विच पैर धो रही सी। वीडियो विच अर्चना एस जी पी सी प्रबंधकों नूं अपने खिलाफ FIR वापस लैन की धमकी भी दे रही है। कहिंदे जे वह माफ़ी मंगती है तो सिखां दी प्रतिनिध संस्था श्रोमणी कमेटी प्रति इतराजयोग ते नफरत भरे बयान क्यों पोस्ट कर रही है, इसका जवाब अर्चना नूं देना चाहीदा है। तो जाहिर तौर पर उसका यह जिहड़ा लहजा है वह शक्की है तो जान बुझ के लोगों के विच वंडियां पाउण वाला है। अर्चना जी साडा क्लीयर कर दी है कि श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी का अर्चना दे नाल कोई मामला नहीं, साडा कोई तुहाडे नाल निजी विरोध नहीं। तुसीं जिहड़ा कुछ कीता उस गल लई असीं प्रशासन नूं अर्जी दित्ती, प्रशासन ने उस दे खिलाफ़ धारा लाई, प्रशासन वो तुहानूं सद रहा, तुसीं कानून दे जानकार हो, बेलोड़ा विवाद पैदा करके तुसीं अपनी फेम लैना चाहुंदे हो। असल गल इहो ही आ जिहड़ी दिखाई दे रही है, तुहाडे नाल कुछ शक्तियां भी जुड़ गईआं ने जिहड़ियां किसी ना किसी ढंग नाल सिखां नूं सिखां दे धार्मिक स्थान नूं ट्रोल करन दा यतन कर रहीआं ने, जिहड़ी गल हुण असीं महसूस कर रहे हां। सो तुहानूं इह गल दस दईए कि साडा निजी मसला नहीं है तो प्रशासन ने अपनी कार्रवाई करनी करनी है। सो पर मैं एक तुहानूं बेनती करदा कि तुसीं फेम बहुत खटिया होएगा, बहुत कुछ किया होएगा, पर तुहाडे माता पिता नूं मैं ये अपील करदा कि वो तुहानूं संस्कार देण, क्योंकि ये देश जिहड़ा वा इह धार्मिक संस्कारी देश है। रब दे घर नाल जां रब नाल मत्था लाउण वाले दी हशर की हुंदा, ये चंगा नहीं हुंदा। मेरे मन दे विच इक डर ते इक भय पैदा होया, मैं उस गल नूं नहीं कहना चाहुंदा कि रब दी मार जिहड़ी वगदी आ फिर बंदा उस तो बाद उदा कोई होर रस्ता नहीं हुंदा।